सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? सभी को अच्छी लग रही है ना। मुझे पता है कि आप सभी गोकू का इंतजार कर रहे हैं, मगर मैंने आपके लिए धमाकेदार सरप्राइज रखा है और इस बार गोकू आएगा तो तबाही मचा के रख देगा। बस सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक रेगुलर वीडियो आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से, जो कि अब एक अलग प्लेनेट में आ चुका है। वेजिटा बोलता है, कैकरोट मेरे दोस्त, मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं गए हो, तुम यहीं कहीं पर हो, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जरूर लाऊंगा। मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया अकेले में, और मैं अब तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से ढूंढूंगा। और अब वेजिटा मेडिटेशन में लग जाता है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और कहता है, फादर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, किस बारे में विश? विश कहता है, आपने वेजिटा के साथ ठीक नहीं किया। देखिए, मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आप ये भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, विश मैंने तुम्हें इमोशनल लेस बनाया था। तभी विश गुस्से में कहता है, हाँ बनाया था, मगर क्या करूँ, मेरे पास भी एक दिल है, मुझे भी बुरा लगता है। अगर आपने हमें इमोशनल लेस बनाया तो हमारे सीने में दिल क्यों दिया, बोलिए फादर प्लीज। अब ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, विश ये सब मैंने जानबूझकर किया है। विश पूछता है, क्या मतलब? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश मैंने वेजिटा को इसलिए डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से निकाला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वेजिटा का ध्यान कहीं और जाए। मतलब कि मैं जानता हूँ कि वेजिटा ही वो शख्स है जो गोकू को वापिस ला सकता है, आखिर दोनों हैं तो प्योर ब्लड सेन। विश अब स्माइल करके बोलता है, इसका मतलब कि लॉर्ड वेजिटा जल्द ही लौटेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मगर तब तक उसे थोड़ा दुख सहना होगा। अब सीन जाता है फू पर और वो डाबुरा से कहता है, डाबुरा कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बॉस बनोगे। तभी डाबुरा कहता है, अरे भाई अब बॉस कहकर शर्मिंदा मत करो। फू कहता है, ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? डाबुरा कहता है, ये एक बड़ी लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें फिर भी सुनाऊंगा। फू बोलता है, और वो गोकू उसका हाल क्या है, जरा बताओगे? डाबुरा कहता है, अरे भाई चिंता मत करो, वो अब यहाँ नहीं है और अब वो कभी आएगा भी नहीं। फू बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, गोकू अब नहीं रहा? डाबुरा कहता है, हाँ अब बस वो वेजिटा बचा है। तभी फ्रीजा कहता है, और उस वेजिटा को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। फू बोलता है, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने डाबुरा, अब तो सब जगह हमारा राज होगा। तभी वहां गैस आता है और कहता है, फू हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मल्टीवर्स पर कब्जा करना है। तभी फू कहता है, अरे भाई डाबुरा ये तुम किस बारूद को लेकर आए हो, बोलता है कि मल्टीवर्स पर कब्जा करेगा, हलवा है क्या? गैस कहता है, तुम पहले भी एक बार कोशिश कर चुके हो, तो वो तुमने क्यों किया था, या फिर मैं ये समझूं कि अब मल्टीवर्स पर राज करने की तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई है? फू कहता है, मुझे छेड़ता है। डाबुरा जरा इसे पूछो तो ये किस तरह से मल्टीवर्स पर कब्जा करेगा, क्या ये उन डिस्ट्रॉयर में से किसी एक को भी हरा सकता है, क्या ये उस फ्रिस्ट को मारने की हिम्मत रखता है? और तभी वहां आ जाता है और कहता है, उस फ्रिस्ट को मारने की जिम्मेदारी मेरी। तभी फू बोलता है, ये कौन है? डाबुरा को पहचान लेता है और कहता है, कैसे हो तुम, वापिस आकर बड़ा अच्छा लग रहा है डाबुरा। डाबुरा कहता है, तुम आ गए तो अब मल्टीवर्स बस हमारा हुआ, अगर हमें अभी और लोग चाहिए। अब सीन जाता है गुहान पर और वो कहता है, बुलमा क्या तुम्हारा रडार रेडी है,
बुलमा कहती है, हाँ मगर उसमें सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं दिख रहा है। शायद वेजिटा ने सही कहा था कि वो बॉल्स यूज हो चुके हैं। पिगोलो पूछता है, तो अब हम क्या करें? बुलमा कहती है, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी गोहान कहता है, पिकोलो क्या तुम अपनी पावर से मुझे सुप्रीम काई तक ले जा सकते हो? पिकोलो कहता है, सुप्रीम काई उनसे तुम्हारा क्या काम है? गोहान कहता है, एक जरूरी काम। तभी पिकोलो कहता है, रुको मैं उनकी की सेंस करता हूँ। अब पिकोलो सुप्रीम काई की सेंस करने की कोशिश करता है मगर उसे कोई भी की सेंस नहीं होती। गोहान पूछता है, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पिकोलो कहता है, पता नहीं गोहान, मुझे उसकी की सेंस नहीं हो रही है। बुलमा बोलती है, तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। अब बुलमा वहाँ से चली जाती है। गोहान कहता है, कहीं वजीटा की वजह से तो सुप्रीम काई की सेंस नहीं हो रही है? पिकोलो कहता है, मैं नहीं जानता हूँ मगर मुझे उनकी एनर्जी सेंस हो ही नहीं रही। और तभी वहाँ आ जाता है फ्रीजा और कहता है, हा हा हा, हेलो मंकी। अब फ्रीजा को देखकर गोहान और पिकोलो शॉक्ड हो जाते हैं। गोहान कहता है, ये वापिस कैसे आ गया? पिकोलो कहता है, ये हो क्या रहा है, फ्रीजा वापिस कैसे आ सकता है? तभी फ्रीजा कहता है, जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो लेकिन ये सच्चाई है, मैं आ गया हूँ और इस बार और भी ज्यादा पावर के साथ। तभी गोहान कहता है, फ्रीजा जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ वरना हम तुम्हें वापस भेज देंगे। फ्रीजा कहता है, गोहान मेरी दुश्मनी तुम लोगों के साथ नहीं है, मैं तो बस वजीटा को ढूंढ रहा हूँ। तभी पिकोलो कहता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें उससे? तभी फ्रीजा कहता है, मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ। पिकोलो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले। फ्रीजा कहता है, ऐसी गलती मत करना दोस्त वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और ऐसा मैं करना। तभी पिकोलो बोलता है, तुम हमारी जान भी ले लो तो भी हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। फ्रीजा स्माइल करके कहता है, सही कहा तुमने, उसकी की सेंस नहीं हो रही है, लगता है भाग गया डर के मारे। कोई बात नहीं, अब ना तो गोकू यहाँ है और ना ही वजीटा यहाँ है, तो अब यहाँ पर हमारा राज चलेगा। अब ये सुनकर गोहान गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ यहाँ पर। फ्रीजा कहता है, तुम मुझे रोकोगे? इस पर गोहान कहता है, हाँ फ्रीजा मैं तुम्हें रोकूंगा। फ्रीजा कहता है, तो एक काम करते हैं, हम एक चैलेंज रख लेते हैं, ओके, और अगर इस चैलेंज में तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ धरती के सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। गोहान अब ये सुनकर और भी सीरियस हो जाता है और तभी पिकोलो गोहान से कहता है, नहीं गोहान ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त समझदारी का है। गोहान कहता है, पिकोलो इसे तो मैं संभाल लूंगा। फ्रीजा कहता है, अरे मैं तुम्हारे दोस्त को भी साथ में लेकर आया हूँ, मिलना चाहोगे उससे? और अब वहाँ पर सेल भी आ जाता है जिसे देखकर पिकोलो के होश उड़ जाते हैं। तभी गोहान कहता है, अब ये कैसे आ गया? फ्रीजा कहता है, सेल को तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना सेल और तुम्हारी मुलाकात करवाई जाए। गोहान कहता है, ये सच नहीं है, सेल वापिस नहीं आ सकता है। फ्रीजा कहता है, बस सेल ही नहीं बल्कि और भी लोग आए हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो नथिंग से कहता है, नथिंग एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज मुझे बताओ कि कैकरोट इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा। नथिंग कहता है, वजीटा अगर हमने तुम्हारे दोस्त को वापस लाने की कोशिश करी तो इसका मतलब हमने विगोरस के काम में दखल दे दिया और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ।